पालिका परिषद बलिया के वार्ड नंबर 3 में हूँ। वार्ड नंबर 3 हमेशा सुर्खियों में रहता है और आज मैं इस वार्ड में यहाँ के एक प्रत्याशी सैरुन्नेशा, जिनके प्रतिनिधि इनके पुत्र अबरार अहमद उर्फ गुड्डू हैं, इनसे बात करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले दी बलिया टाइम्स में अबरार साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हम अबरार अहमद वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी हैं, माता जी मेरी हैं, और मैं अपना एक लक्ष्य लेके चल रहा हूँ जो कि गाँव का बहुत बुरा कंडीशन है। अबरार साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 3 में मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों का गांव का नाली रोड पानी का व्यवस्था बहुत जर्जर है। इतना बुरा कंडीशन 2500 वार्ड में कहीं नहीं होगा। हम जान रहे हैं कि मान के चलिए तो अगर देखा जाए तो पूरा बलिया जिला में सबसे बुरा स्थिति काजीपुर का है। इन समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व सभासदों ने क्या प्रयास किए हैं? देखिए, जितना अभी तक जो भी सभासद रहे हैं, अभी तक किसी ने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। जो भी है सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना सिद्धि के लिए जो भी उनका पेट भरने वाला काम किए हैं लोग, रोड नाली की समस्या और पिंचिंग से संबंधित समस्या जो है कि नहीं किए हैं ये लोग, सिर्फ जो है कि जनता को गुमराह किए हैं। समस्याएं तो भयावह हैं, लेकिन आपके पास इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या योजना है? हम तो लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमको मौका दिया जाए और हम जो है कि यही कोशिश करेंगे कि 6 महीना के अंदर पूरे वार्ड को स्वच्छ बना दें और जितने भी लोग पेंशन के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं उनका बिना पैसा बिना कुछ खर्चा किए घर बैठे पेंशन करा देंगे। वार्ड नंबर 3 की जनता आपसे, आप में क्यों विश्वास करें, क्यों आपको वो जितावे, इसके लिए आपके मजबूत पक्ष क्या हैं, कोई 2-3 वजह बताइए ताकि इस वार्ड की जनता आप में विश्वास करे और आपको अपना वार्ड का सभासद चुने, आपकी माता जी को वार्ड का सभासद चुने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शुरू से हम काम किए हैं गांव के अंदर, अभी तक जो है जितना हम काम किए हैं कोई मेंबर रह के भी नहीं किया होगा। इससे पहले हमने कसाई मोहल्ला में जो है कि बिजली का तार आधा से ज़्यादा का पास कराए थे जो कि लगवाए भी हैं, और ट्रांसफार्मर भी हम पास कराए थे जो कि हाजी जी खुद गवाह हैं, उनसे बोले जगह नहीं मिला जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया। हम चैलेंज करते हैं कि आज तक बिना जीते कोई इतना बड़ा काम, इतना बड़ा हाथ नहीं लगाया होगा जो हम लगा चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी के दबाव की वजह से ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया। दी बलिया टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सलमान अली के साथ।